Good morning, guys. I'm Sonia, your craft teacher. Today I teach how to paint flowers on cloth with acrylic colors. See, this is so beautiful. So first of all, we need hand embroidered beads, brushes, pencil, some acrylic colors. Okay, so let's start. And yes, newspaper also. ये बहुत ही ज़रूरी भी है, अदरवाइज आप अगर न्यूज़ पेपर नहीं लगाते हैं ना नीचे, तो आप जहाँ भी आप अपने क्लॉथ पर पेंट कर रहे हैं वो नीचे आ जाता है पेंट, तो न्यूज़ पेपर ज़रूर ध्यान से लगाना। तो फर्स्ट रिंग को हम क्लॉथ के नीचे रखेंगे और सेकंड वाली रिंग को क्लॉथ के ऊपर एडजस्ट करके लगा देंगे। टाइटली लगाना है व्हाइट कलर में डिप करना है। मैंने बिल्कुल ज़रा सा ब्लू कलर लिया है, उसमें डिप किया है। वैसे आप देख सकते हो मैंने कैसे किया है। डार्क कलर अगर ले रहे हैं तो वाइट के साथ आप बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, अदरवाइज पूरा ब्लू हो जाता है वो, या जो भी आपने कलर लिया है वो हो जाएगा उसी कलर का होगा, ऐसे शेडेड नहीं बनेगा फिर वो। और ऐसे शेडेड फ्लावर बनाने के लिए हम फ्लैट ब्रश का ही यूज़ करेंगे, राउंड ब्रश का यूज़ यहाँ नहीं होगा। ओके, और इफ आपका डार्क कलर आप ज़्यादा आपने ले लिया है तो आप इसे एक बार हल्का सा वाइट कलर लेकर, या आप जिस भी कलर के साथ मिक्स कर रहे हैं दो कलरों के साथ, वो लेकर आप लाइट कलर इस पर लगा सकते हैं और ऐसे ब्रश के शेड दे सकते हैं। ओके, नाउ हमारे फ्लावर कंप्लीट हो गए हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें हमें लीफ बनानी है। तो उसके लिए हम बिल्कुल पतले वाले राउंड ब्रश का यूज़ करेंगे, फ्लैट ब्रश का यूज़ नहीं करना है आपको। एंड बिल्कुल सेफ्टी से बनाना है, क्योंकि आप अगर ज़रा बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट यहाँ वहाँ होगा आपका तो ये आप बिगाड़ लोगे, और इसको आप किसी भी क्लॉथ पर बना सकते। बेडशीट ट्राई कर रही थी तो मैंने बेडशीट पर आपको बता दिया, आप इसे हैंकी पर भी बना सकते हैं। सो बी केयरफुल। फुल दिखाती हूँ, देखिए
एक्स्ट्रा हिट।